कौन कहता हिंदू राष्ट्र अरे कौन कहता हिंदू राष्ट्र है क्या बहुजन के लोग हिंदू नहीं है क्या दलित हिंदू नहीं है दलित यदि पूजा करने चले जाए मंदिर में तो मंदिर छुआ जाता है मंदिर छुआ जाता है अरे कुत्ता पेशाब कर दे तो कहेगा कि भैरव बाबा शंकर भगवान का दूध पे कर दिया महामहिम महीम राष्ट्रपति जाते हैं मंदिर छुआ जाता है आप वर्तमान मुख्यमंत्री जीताराम मांझी जी जाते हैं तो मंदिर छुआ जाता है इस देश का दलित का एक नेता बाबू जगजीवर राम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर छुआ जाता है कहा जाता है कि दुसा से हड्डी छुआ जाता है मैं तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप चुपचाप बाबा साहब अंबेडकर आपका देवता है बाबा साहब अंबेडकर देवता है आपका देवता है संत रविदास देवता है आपका देवता है संत पे देवता है इस देश में एक ही बाबा है वो बाबा साहब अंबेडकर है दूसरा बाबा चाबा लावा को हम लोग नहीं जानते हैं आप लोग तो बोल रहे थे कि बाबा आएंगे यहाँ नफरत वाली बात बोलेंगे तो जेल चले जाएंगे कहाँ कुछ आप लोग किए बोल रहे हैं कि हिंदू की ज्वाला बिहार से उठेगी सीताराम सीताराण उनकी प्रवचन हुई नौबतपुर में नौमतपुर में बाबा साहब अंबेडकर का मूर्ति किसने तोड़ा क्या कि आप कब तक बाबा साहब के मूर्ति तोड़ोगे उनके विचार को आप खत्म नहीं कर सकते हो ये हिंदू राष्ट्र सबका है भारत एक बगीचा है इसमें सभी तरह के फूल हैं हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं सिख भी हैं ईसाई भी हैं दलित भी हैं और ब्राह्मण भी हैं लेकिन जो देश का चौकीदार है जो देश का चौकीदार है ये चाहते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर कभी दंगा फसाद हो अरे ये सब ढोंगी पंडित है ये सब को चक्कर में देश के लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए धीरेन्द्र शास्त्री का प्रवचन नौबतपुर में चल रहा है तेरह से सत्रह मई तक तो होने वाला था और इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने बोल दिया है कि जो हिंदू राष्ट्र की ज्वाला है वो बिहार से ही उठेगी इस मुद्दे पर इस विषय पर आज बातचीत करेंगे अनिल कुमार साधी जी क्या कहिएगा उठ रही है ज्वाला हिंदू राष्ट्र के बिहार से बाबा का आदेश है बाबा का प्रवचन बोल दिया है कौन बाबा बोला है इस देश में एक ही बाबा है वो बाबा साहब अम्बेडकर है दूसरा बाबा चाबा लाबा को हम लोग नहीं जानते है क्या बोल रहे हैं आप लाखों लाखों की भीड़ जुट रही है वहाँ पे गजब बात करते हैं पाप लगेगा अरे पाप लगेगा मेरा तो जन्म जात नाम है साधु आ, साधु हमने हैं हम भविष्यवाणी करते हैं कि जैसे राम रहीम का हुआ है ना आ, जैसे आसा राम बापू गए ना अंदर हाँ कुछ दिन में इनका भी रिपोर्ट आ जाएगा आप देख लीजिएगा अच्छा हाँ इनका आ, हम चिट्ठा खोल दिए अरे चिट्ठा निकालते हैं ना आप भी निकालते अरे तो मेरा नाम तो साधु है ना जी जन्म जात मेरा नाम साधु है तो भविष्यवाणी तो हम वो तो जानते हैं ये क्या दूसरा के भविष्यवाणी बताएंगे धर्म हिंदू यहाँ का हिंदू राज की जो ज्वाला है यहाँ से फूटेगी बाबा बोल दिया उठ रही है ज्वाला है आप लोग सीताराम बोलिएगा भारत में रहना होगा तो अरे सीताराम हम नहीं जानते हम एक अंबेडकर साहब का नाम जानते हैं संत परियार का नाम जानते हैं कबीर दास का नाम जानते हैं कौन सीताराम और हम लोग कभी नहीं सीताराम कहने वाले हैं वीरेंद्र शास्त्री बोले हैं कुछ दिन में भारत में रहना होगा तो जय सीताराम कहना ही होगा वीरेंद्र ब्रह्मचारी जी क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है ये जो जो देश है ये देश सभी जाति धर्म का देश है ये जो देश है ये बाबा साहब अंबेडकर का संविधान से चलेगा ना कि किसी जो ढोंगी पंडित जी के प्रवचन से चलेगा बगले में अंबेडकर साहब का मूर्ति नौबतपुर में ही तोड़ दी गई है तभी ये जब जब बीजेपी आरएसएस के लोग आएंगे कथा सुनाने तब तब बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी जाएगी मैं वैसे लोगों को मैं सावधान कर देना चाहता हूँ कि तुम यदि संविधान जलाओगे तुम यदि बाबा साहब के अंबेडकर साहब की मूर्ति तोड़ोगे तो हम लोग पचासी परसेंट के लोग तुम्हारा मनुस्मृति जलाने का काम करेंगे सबसे ज्यादा बाबा के सभा में एस सी एस टी और एश्टी जो पचासी परसेंट आप बोल रहे हैं ना वही लोग गया है अभी हमारे लोग धीमे धीमे समझ रहे हैं धीमे धीमे। जी अब वो दिन दूर नहीं कैसे से पखंडी बाबा को अब हम लोग यही लोग ना पखंडी बाबा है जो कि गणेश जी को दूध पिला दिया था प्रवचन कर रहे हैं तो इन्हें अनुभव नहीं था कि हम कर्नाटका चुनाव बुरी तरह हार जाएंगे मा में जो आतंकवादी का जो हुआ कहने सुमानी कर दिए ही पर्ची निकलवाने नहीं गया था चुनाव को लेकर पर्ची तो कहने के निकलवा दिए पर्ची वहां कर्नाटका में निकलवा देते तब ना हम जानते हैं हाँ? अरे ये सब ढोंगी पंडित है ये सब के चक्कर में देश के लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए और जिस तरह बाबा साहब का आज मूर्ति तोड़ा है नौबतपुर में है, मैं मैं घोर निंदा करता हूं और सरकार और प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि पुनः बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति वहां लगाई जाए और दोषी व्यक्तियों के गिरफ्तार किया जाए और ऐसे लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि आप कब तक बाबा साहब के मूर्ति तोड़ोगे उनके विचार को आप खत्म नहीं कर सकते हो क्यों डरते हैं बाबा साहब ये लोग डरते क्यों क्यों आखिर तोड़ दी जाती बाबा साहब से डर तो है ना पूछिए ना हनुमान जी चली सुनने वाले लोगों से आ? बाबा साहब सिर्फ एक जाति धर्म के नहीं थे बल्कि करोड़ों लोगों का आस्था उनके में दिल में बसा हुआ है चाहे वो देश हो चाहे विदेश हो सभी जगह बाबा साहब अम्बेडकर का जो मनाया जाता बाबा ही साहब ऐसा उनका जयंती होता है कि लगातार हम लोग पूरे देश नहीं पूरे विदेश में भी लगातार दो महीना तीन महीना लगातार हम लोग उनका जन्मदिन मनाते हैं हनुमान जयंती तो एक दिन मनता है मनता है ना जी ने। राम के जी का तो एक दिन, दिन जयंती मानता है बाबा साहब का जयंती तीन माह पूरे देश नहीं पूरे विश्व में मनता है अच्छा भाजपा के बाहर पोस्टर लगा था हिंदू धर्म का विरोध करने वाले और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करने वाले पगल खाना चले जाए पाकिस्तान चले जाए बोलने वाला खुद पगल, पगल खाना चले जाए ये हिंदू राष्ट्र सबका है भारत एक बगीचा है इसमें सभी तरह के फूल हैं हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं सिख भी हैं ईसाई भी हैं दलित भी हैं और ब्राह्मण भी हैं लेकिन जो देश का चौकीदार है जो देश का चौकीदार है ये चाहते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर कभी दंगा फसाद हो कभी चाहते हैं राम रहीम के नाम पर दंगा फसाद ही लोग बीजेपी के लोग करवाना चाहता है और हमारा मैं देश की जनता से मैं अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में मत पढ़ना यही भारतीय जनता पार्टी के लोग है जो कि पूछिए ना बीजेपी के कुछ शीर्ष नेता हैं कह रहे हैं ना कि हिंदू खतरे में है पूछिए ना मुस्लिम जो हमारे भाई हैं ने नेता कि हिंदू लड़की से कितने लोग शादी किए हैं आरसेएस के सिंगल साहब की एडवानी साहब की भतीजी की शनवाज हुसैन से किए नकवी साहब से किए पूछिए ना तो हिंदू कहाँ खतरा में हिंदू राष्ट्र बनेगा तीन लोग कहाँ जाएंगे जी? अरे हिंदू खतरा में नहीं है बीजेपी खतरा में है बाबा बार बार हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। बाबा लाबा चाबा को हम लोग नहीं जानते हैं हम लोग एक ही बाबा को जानते हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं आप लोग तो बोल रहे थे कि बाबा आएंगे हाँ नफरत वाली बात बोलेंगे तो जेल चले जाएंगे कहा कुछ आप लोग किए बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की तो ज्वाला बिहार से उठेगी सीताराम उनकी प्रवचन हुई नौबतपुर में नौबतपुर में बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति किसने तोड़ा ऐसे ही लोग जो हनुमान चालीसा सुनने गए थे वही लोग तोड़े होंगे मैं तो सरकार से मांग करता हूँ एक बाबा साहब का मूर्ति तोड़ेगा यहां करोड़ों के तो कित, कितना मूर्ति टूट जाएंगे उनको अभी ए, ये नहीं है हमारे बहुजन के लोगों को कम ताकत को कम नहीं आके जिस दिन हमारा बहुजन के लोग जाग जाएगा ऐसे ऐसे बाबा पखंडी बाबा को देश से बाहर कर देगा आ, क्या संदेश दीजिएगा जो बहुजन वहां टेंटो में सबसे ज्यादा भगवान लेके बाबा की जय हो जय हो कर रहे हैं अरे धीमे धीमे सुधर सुधर जाएंगे वैसे तो लोगों को मैं तो आह्वान करना चाहता हूँ कि हे दलित वर्ग के लोगों हे बहुजन के साथियों देख लो बाबा राम रहीम का क्या हुआ बाबा आसाराम बापू का क्या हुआ राधा माँ का क्या हुआ सभी कहीं ना कहीं कोई बलात्कार में फंसे हैं कहीं ना कहीं कोई फोर ट्वेंटी में फंसे हैं तो इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप मनुस्मृति छोड़ दो आप बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पढ़ो आप पूजा करो आप मैं तो कहता हूं ना कौन कहता है कि हिंदू राष्ट्र पूजा अरे कौन कहता है हिंदू राष्ट्र है क्या बहुजन के लोग हिंदू नहीं है क्या दलित हिंदू नहीं है दलित यदि पूजा करने चले जाए मंदिर में तो मंदिर छुआ जाता है मंदिर छुआ जाता है अरे कुत्ता पे साफ कर दे तो कहेगा कि भैरव बाबा शंकर भगवान का दूध पे कर दिया तो ऐसा मंदिर क्या उससे अच्छा तो हिंदुओं के लिए मैं तो कहता हूं कि हिंदुओं के लिए सबसे अच्छा सिख धर्म है सबसे अच्छा इस्लाम धर्म है कि इस्लाम धर्म में और सिख धर्म में हमें बैठने, बैठने का एक साथ बैठने का हमें अनुमति दी जाती है बहुत बड़ी बात बोल रही है मैं बहुत नहीं, बाबा साहब अंबेडकर ने इसलिए बौद्ध धर्म अपनाया था इसलिए धर्म अपनाया था सिर्फ हम लोग वोट देने के लिए हिंदू है वोट देने के लिए हिंदू है और इससे अच्छा तो मैं तो कह रहा हूँ इस्लाम धर्म में भी ऊंच नीच हैं दलित हैं पिछड़ा हैं अति पिछड़ा हैं ऊंची जाति के लोग हैं लेकिन नमाज अदा वहाँ लोग डस्टर पर जब बैठ कर नमाज अदा करते हैं तो सभी जाति धर्म के लोग चाहे वो दलित हो या या वो पिछड़ा हो या अति पिछड़ा हो या ऊँची जाति के लोग हो एक डस्टर पर बैठ कर नमाज अदा करते हैं एक डस्टर पर बैठ कर इफ़ार अदा करते हैं उससे अच्छा तो गुरुद्वारा है जहाँ सिख धर्म में गुरुबानी होती है वहां भी ऊंच नीच दलित पिछड़ा थी पिछड़ा है लेकिन एक दृष्टे पर वहां भी गुरुबानी लोग बोलते हैं वहां भी ऊंच नीच कोई नहीं देखते हैं सिर्फ हिंदू ही धर्म में क्यों महामहिम राष्ट्रपति जाते हैं मंदिर छुआ जाता है आप वर्तमान मुख्यमंत्री जीताराम मांझी जी जाते हैं तो मंदिर छुआ जाता है इस देश का दलित का एक नेता बाबू जगजीवर राम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर छुआ जाता है कहा जाता है कि दुसा से हड्डी छुआ जाता है मैं तो ऐसे लोग को मैं कहना चाहता हूँ कि आप चुपचाप बाबा साहब अंबेडकर आपका देवता है बाबा साहब अंबेडकर देवता है आपका देवता है संत रविदास देवता है आपका देवता है संत पेयार देवता है आपका देवता है तो कबीरदास देवता है छोरो ये सब हनुमान चली सब पढ़ना बंद करो कौन कहता है कि बहुजन को हिंदू हिंदू है हिंदू जब रहते हैं सिर्फ वोट देने का अधिकार हम तो कहते हैं इस देश के प्रधानमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कहाँ गया निजी क्षेत्र में आरक्षण कहाँ गया प्रमोशन

तब फिर आप हमको कब दो वोट देने का अधिकार दे दो पुनः पैक्ट लागू करो जब इस देश में आरक्षण नहीं है रिजर्वेशन नहीं है तो हमारे जो बाबा साहब का मनसा था बाबा साहब का जो सोच था दो वोट देने का वो दो वोट देने का अधिकार आप हमें दे दो पुनः पैक्ट लागू करो आप ये लोग खाली बाबा का विरोध कर रहे हैं इतना लोग लाखों लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं वो मूर्ख हैं जी तो अब कौन कोई अब अंधविश्वास में पड़ा है तो हम लोग क्या हम लोग क्या कर सकते हैं हमारे पार्टी हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल ये ए टू जेड की पार्टी है और हमारी पार्टी अंबेडकर परिचर्चा पूरे बिहार के देश के कोना कोना में राष्ट्रीय जनता दल के के कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाया जा रहा है उससे संदेश हमारे बहुजनों को संदेश जाए कि आपका मनोस्मृ मनोस्मृति से काम नहीं चलेगा बाबा साहब के अम्बेडकर से काम चलेगा हमारी बातचीत हो रही थी अनिल कुमार साधु जिससे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के हैं इन्होंने बागेश्वर धाम के पिटादी धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर काफी कुछ कहा इनकी बातों को आपने सुना और इनकी बातों से आप कितना सहमति रखते हैं असहमत है अपनी राय हमारे कॉमेंट बॉक्स में जरूर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर पेज को फॉलो करें धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें धन्यवाद